नो, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड से बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए एक नया तरीका, मतलब बैंक में ट्रांसफ़र कैसे होगा। और उसके साथ आपको मैं बताऊंगा, आपको तो पता ही है, उसके साथ जो मैं ट्रिक देती हूँ उसमें आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट वो भी मिलता है, मतलब कि कैशबैक वो भी मिलता है आपको। और उसके साथ आज और डबल फ़ायदा होगा, और भी फायदा होगा, मतलब कि 2x रिवॉर्ड आपको मिलेगा। वो कैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। आज एक नया तरीका आप लोग देखेंगे, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्विक पे। आप प्ले स्टोर में जाइए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिए। क्विक पे एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपका आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ए वाला स्कैन करना है, स्कैन एंड पे, ए वाला स्टेप आएगा। उसके बाद देखिए गेट स्टार्टेड, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर डालिए, एंटर फोन मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपको क्रिएट अकाउंट करना है, फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, ईमेल आईडी कोई भी आप डालिए, कोई बात नहीं, इसमें वेरीफिकेशन नहीं होती है, सिर्फ मोबाइल नंबर में वेरीफिकेशन होती है। उसके बाद ये तो हो गया आपका। उसके बाद इस तरह इंटरफेस आएगा, उसके बाद ऐड कार्ड कर लीजिए। कार्ड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद कार्ड नंबर डालिए, उसमें नाम जो नेम है आपका वो नेम डालिए, कुछ भी डालिए। तो अभी हो गया आपका ए वाला ऑप्शन। उसके बाद ऐड कार्ड हो गया, रिसेंट ट्रांजेक्शन अभी कुछ नहीं किया। तो देखिए ये जो है एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप कोई भी मर्चेंट में, मर्चेंट तो आपको पता ही है, मर्चेंट जो क्यूआर कोड मिलता है ना उसमें आपको स्कैन करके पेमेंट करना है, और आपका क्रेडिट कार्ड का जो है वो भी वो उसमें चलेगा। तो फ्री मर्चेंट कौन कौन सा है, पेटीएम में आप फ्री में मर्चेंट कर सकते हैं, उसके साथ मोबीक्विक है, मोबीक्विक में भी आप फ्री में मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और तुरंत आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। मगर आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा उसमें मैंने अमेज़न पे को किया है, ये जो अमेज़न पे का मर्चेंट क्यूआर कोड है उसको मैंने यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि अमेज़न पे में एक ऑफ़र चलती है हर वक्त। जब अब आपको तो पता है कैसे, क्योंकि पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था अमेज़न पे में कैसे आपको ये मतलब कि एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मर्चेंट अकाउंट, वो मैंने पहले आपको बताया था। फिर भी मैं आपको आज एक दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो आप अमेज़न को ओपन कीजिए, अमेज़न ओपन करने के बाद देखिए स्क्रॉल डाउन करें, इसको ओपन होने दीजिए। उसके बाद आपको ये वाला नहीं, इसमें अमेज़न पे में आप क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा नीचे में आइए और स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखिए एक है मैनेज मर्चेंट सेंटर, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा आपका नेम, उसके बाद बिजनेस डिटेल्स सारी कुछ आप फिलअप कर दीजिए, फ्री में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके साथ ऐसे क्यूआर कोड आपका घर में फ्री में डिलीवरी होगा। इस क्यूआर कोड से अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड मिला है, उसका वीडियो है, आप मेरा चैनल में देख लीजिए, मैंने पहले भी बनाया था। उसके बाद तो आपको जो एक क्यूआर कोड मिलता है, ऐसा क्यूआर कोड आपको होम डिलीवरी भी होगा, उसके साथ आप इंस्टेंट आपका जो मर्चेंट अमेज़न जो मर्चेंट है उसमें भी आप देख पाएंगे, उसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद सिर्फ देखिए यहाँ पे स्कैन का एक ऑप्शन है, स्कैन एंड पे, इसको रखिए और स्कैन एंड पे में क्लिक कर दीजिए और ऐसे करके स्कैन कीजिए, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा, जो आप जिसका मर्चेंट है उसका नाम दिखाएगा। तो मैंने आपको बताया था मर्चेंट क्या क्या आप यूज़ कर पाएंगे, पेटीएम में फ्री और मोबीक्विक में, मगर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा अमेज़न में। इस अमेज़न मर्चेंट में एक ऑफ़र रहती है, जब आप पहले बार अमेज़न पे में मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी तो आपको 100 रुपीज़ का ऑफ़र मिल जाएगा। फर्स्ट पेमेंट रिसीव कीजिए, 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद हर दिन 100 रुपीज़ का एक ऑफ़र चलती है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा हर दिन, उसमें अप टू 100 वो लोग कहती है। तो आपको मान लीजिए आप अगर रेगुलर करती हो तो आपको 5 रुपीज़, नहीं तो 10 रुपीज़, और मैक्सिमम अगर एक या दो दिन के बाद आप वो रिसीव करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ मिलेगा। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा मुझे मिलता है। तो आप इसमें क्यूआर कोड पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आपका जो भी शॉप का नाम है वो देखा यहाँ पे उठ जाएगा, उसके बाद
अमाउंट वाला सेक्शन पे आप लिख लीजिए, मैंने 100 रुपीज़ लिखा है। इसमें देखिए 2.5% मगर अभी फ्री है, फ्री, एक भी रुपया नहीं ले रही है। उसके बाद पे नाउ में क्लिक कर दीजिए। अभी ए वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपका तो क्रेडिट कार्ड पहले से आपने सेव कर लिया, जो क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। आपको पता है मैं एस क्रेडिट कार्ड लेती हूँ क्योंकि इसमें 2% आपको मिलता है। उसके बाद पेमेंट पेज में आइए। अभी देखिए ए वाला मर्चेंट ने आएंगे, देखिए क्विक पे का क्विक बॉक्स मर्चेंट, मैंने कितना 100 रुपीज़ किया था। तो अभी देखिए OTP डालने के लिए बोलेंगे, तभी OTP मैं डाला तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तुरंत वो आ जाती है तुरंत। उसके बाद देखिए ट्रांजेक्शन डन हो गया, मेरा 100 रुपीज़ एस कार्ड से कट के मेरा जो सेविंग्स अकाउंट आपने लिंक किया था ये अमेजन पे में उसमें आ गया। मैं अभी प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि क्विक बॉक्स में मैंने अभी 100 रुपीज़ स्पेंट किया। देखिए आप स्पेंट मैंने किया, और जो मैंने बताया था आपको OTP आया था। उसके बाद देखिए मुझे कितना 2% कैशबैक मिल गया, फ्लैट 2%। अभी आप बताएंगे अगर आपके पास दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास मान लीजिए और ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड है जिसमें 1.5, तो वो आपको मिलेगा। मुझे तो 2% मिला है। तो अभी देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये तो मुझे मिल गया। अभी अमेजोन में आपको मैंने जो बताया अमेजोन मर्चेंट आप यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए उसमें मुझे एक फ़ायदा मिला। देखिए तुरंत रिसीव हो गया अमेजोन पे 100 रुपीज़। उसके बाद देखिए 5 रुपीज़ मुझे कैशबैक मिल गया, फिर से 5 रुपीज़ मिला, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हर दिन वो अमेजोन में जो है ऑफ़र चलती है कि कोई भी आप रिसीव करेंगे अगर कोई मर्चेंट से, तो आपको कुछ ना कुछ अप टू 100 रुपीज़ कैशबैक मिला, तो मुझे 5 रुपीज़ मिला है। तो देखिए ए वाला कौन सा, वो भी मैं अभी अभी देखिए यहाँ पे लिखा है अर्न एज पर मर्चेंट कैशबैक ऑन एक्सपीरियंस मनी 100, ए वाला मुझे मिल गया। तो यही था, मगर यहाँ पे एक और एक बात है। अभी जब भी आप 1000 मंथली लिमिट यहाँ पे 1000 है, अगर 1000 से ज़्यादा करेंगे तो आपको 2.5% चार्जेस लग जाएगा। अभी आप बताएंगे सर अभी तो आपने वहाँ पे टाइटल में थंबनेल में लिखा है अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड कैसे करना है? देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक है, आप मोबाइल नंबर सिर्फ जुगाड़ कीजिए और मेल आईडी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, सिर्फ मोबाइल नंबर में। और इस एप्लीकेशन में और एक ख़ास बात है कि देखिए ये जो क्विट वाला एप्लीकेशन है ना, इसमें एक ख़ास बात है, आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे वो उसमें वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ OTP आएंगे। इसलिए अगर फ्रेंड या किसी के पास भी जितना भी मोबाइल नंबर है वो इसमें डालिए और OTP आप ले लीजिए, लेके आपका जो मोबाइल में उसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक दिखाया, ट्रिक को आप कीजिए तो क्या होगा, और इसमें एक मेल आईडी लगेगा, आप कुछ भी मेल आईडी डालिए क्योंकि वो वेरिफिकेशन नहीं थे। ऐसे करके आप अनलिमिटेड कर सकती है, 1000 करके आप अनलिमिटेड कीजिए। तो जितना आपके पास मोबाइल नंबर होगा उतना आप 1000 करके फ्री में कीजिए, अगर ज़्यादा करना है तो 2.5% लगेगा। और इसके साथ मैंने जो अभी आपको मर्चेंट वाला ट्रिक बताया उसमें भी आप हिस्सा ले लीजिए, तो हर दिन अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 5 रुपीज़ या तो 10 रुपीज़ ऐसे करके एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा, आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। यही था वीडियो, और आने वाला एक वीडियो है। देखिए जो ट्रिक मैंने बताया था 1000 करके आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, वो ट्रिक कुछ अपडेटेड ट्रिक होगा, वो मैं अभी आज ही मैं आप लोगों को दे दूंगा क्या अपडेट है। और उसके साथ एक ट्रिक आएगा, 2% फ्लैट कैशबैक मिलेगा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो आप इस ट्रिक से जो निकलेंगे इसको पेमेंट कर दीजिए तो 2% आपको मिल जाएगा। वो भी ट्रिक इस चैनल पर जल्द आएगा। ओके, थैंक यू।